अस्सलाम वालेकुम जन, आप कैसे हो? आप सब आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। डॉक्टर इसरार अहमद जी का इमोशन बयान है, इन पांच अदवारों के बाद दुनिया का खात्मा होगा। तो भाई देखते हैं कि क्या है, और इतना इमोशनल हो गया ये वीडियो होने वाली है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ भाई प्रेडिक्शन या कुछ ना कुछ ये रियलिटी बताने वाले हैं, दुनिया का खात्मा हाँ, बताएंगे यार ये। तो इसको हम प्ले करते हैं, डर लग रहा है वीडियो को देखने में, फिर भी देखनी तो पड़ेगी। सही बात है। हुजूर ने अपने जमाने से लेकर कयामत तक पांच अदवार जिक्र कर दिए, हमारी पूरी तारीख उसमें। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की रिवायत है रहमहुल्लाह, और रावी है हजरत नुमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह तआला तकून नबुव्वतु फीकुम माशा अल्लाह अन तकून। मुसलमानों, तुम्हारे माबैन नबूवत रहेगी जब तक अल्लाह चाहे कि रहे, यानी मैं बनफ्से नफीस मौजूद रहूंगा तुम्हारे माबैन जब तक अल्लाह चाहेगा। इसके बाद इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम लमय्यतून, ऐ नबी आपको भी मौत आएगी और उनको भी आएगी, इंतकाल तो होना। फरमाया सुम्मा यरफा अल्लाह इज़ा शा यरफा, फिर अल्लाह जब चाहेगा इस नबूवत को उठा लेगा, यानी मेरा इंतकाल हो जाएगा, विसाल हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फिदाहु आबाउना व उम्महातुना। फिर दूसरा दौर आपने फरमाया सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वते। फिर दौर होगा खिलाफत का जो नबुव्वत के नक्शे कदम पर होगी। ये अल्फाज बड़े अहम हैं। आमतौर पर हमारे यहां जो लफ्ज ज्यादा मारूफ है और बोलचाल में ज्यादा आता है वो खिलाफत राशिदा आता है। इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिए, यह इस्तिलाह हदीस में नहीं आई है। खुलफाए राशिदीन का लफ्ज आया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ऐ मुसलमानों, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत का इत्तेबा करो और मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत का इत्तेबा करो, लाजिम है तुम पर। लेकिन खिलाफत के साथ जो सिफत आई है वो यहां नोट कीजिए, यह आम नहीं है, इसको अब हम आम कर रहे हैं अपनी मतबूआत के जरिए से। खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, मिनहाज मनहज रास्ता तरीका, बैन ही नबुव्वत के नक्शे कदम पर खिलाफत। ये बैन ही का लफ्ज इस कदर जोर देकर मैंने क्यों अदा किया है इसको समझ लीजिए। खिलाफत राशिदा में वो निजाम जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस कायम किया, बैन ही ब तमाम ही ब कमाल ही जू का तू कायम रहा है। इसमें मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं कि जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में मानईन ज़कात का फितना उठा, हजरत उमर जैसे शख्स ने भी रजी अल्लाह तआला अन्हु मसलहत का, मसलहत अंदेशी का मशवरा दिया कि हालात को देखिए, दो महाज पहले खुले हुए हैं, आपने जैश उसामा भी भेज दिया इसलिए कि हुजूर ने तैयार किया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया कैसे मुमकिन है, जो जैश और जिसका आलम दिया हो हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से, मैं उसे रोक दूं? फिर जो झूठी नबूवतों के दावेदार खड़े हो गए उनसे तो हमें लड़ना ही है, हर सूरत लड़ना है, उनका कुफर तो बिल्कुल वाज़ह है, अज़र मिन शम्स है। तो दो महाज खुले हुए, मुसलमानों के दिल जख्मी है, मोराल जो है पस्त है हुजूर के इंतकाल की वजह से। अब तीसरा महाज ना खोलिए, रियायत कीजिए, इन्होंने इस्लाम का इनकार नहीं किया, किसी झूठी नबूवत का इकरार नहीं किया, नमाज को भी मान रहे हैं, ज़कात में भी ये नहीं कह रहे कि ज़कात नहीं देंगे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत को नहीं देंगे, अपने तौर पर देंगे, खर्च करेंगे। तो जरा लीनियंसी बरतिए, मसलहत को देखिए, तीसरा महाज ना खोलिए। इस पर जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का रिएक्शन था, एक तो डांट पिलाई हजरत उमर को, और ये मकाम है अबू बकर का कि उमर को डांट पिला सकते थे, सिर्फ वही पिला सकते थे सहाबा में, और किसी का ये मकाम नहीं। ए उमर, तुम जाहिलियत में तो बड़े सख्त थे, क्या हो गया तुम्हें, इस्लाम में इतने नरम हो गए, इतनी कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हो। दूसरी बात फरमाई, और यह है असल जिसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, दीन वाना हय्युन, क्या दीन में तरमीम की जाएगी जबकि मैं अभी जिंदा हूं, मेरे जीते जी दीन में तरमीम नहीं हो सकती।
किस हद तक कहा है कि खुदा की कसम हुजूर के जमाने में अगर ये जकात के ऊंटों के साथ उनको बांधने की रस्सियां भी देते थे, अगर ये कहेंगे कि ऊंट ले जाओ रस्सी नहीं देंगे तब भी मैं जंग करूंगा, तो हजरत अबू बकर की आप देखिए फसाहत और बलागत की भी इंतहा है। इससे ज्यादा ताकीद का कोई उसलूब हो नहीं सकता था कि अगर सिर्फ रस्सी देने से इनकार करेंगे। अब आप बताइए कहां ऊंट की कीमत, कहां उस रस्सी की कीमत। इतनी तरमीम भी मुझे गवारा नहीं है, और खुदा की कसम अगर कोई और मेरे साथ नहीं चाहेगा मैं तने तनहा जाऊंगा और जंग करूंगा। बहरहाल मैंने ये वजाहत की किस लिए कि खिलाफत अला मिनहाज नुब जू का तू, खिलाफत का निजाम है कि जो कायम रहा, जिसे हम उर्फ आम में खिलाफत राशिदा कहते हैं, हदीस की इस्तिलाह में खिलाफा अला मिनहाज नुबुव्वा। ये निजाम दूसरा था, हुजूर ने फरमाया ये भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, सुम्मा यरफाहु अल्लाह इज़ा शाअ यरफाहु, फिर उसे भी अल्लाह उठा लेगा। उसके बाद आया तीसरा दौर, हुजूर के अल्फाज क्या है, सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़्ज़ा, फिर एक दौर आएगा मुलुकियत का, और उसका वस्फ होगा काट खाने वाली मुलुकियत। अव्वा यउज़्ज़ु यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कयामत के दिन जो है जालिम और काफिर जो है अपनी मायूसी में हसरत के साथ अपने हाथों को काट रहे होंगे, हाय हमारी शामत, हम किस रास्ते पर चलते रहे कि आज इस अंजाम से दो चार होना पड़ा। तो अगवा या उस काटना, दांतों से काटना, कटखनी मुलुकियत का दौर आएगा, फतकून माशा अल्लाह वंतकून, फिर वो भी रहेगी जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि रहे, सुम्मा यरफा अल्लाह इज़ा शाअ यरफा, फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा उसे भी उठा लेगा। इससे मुराद क्या है, खिलाफत राशिदा या खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा के बाद जिस निजाम को उर्फ आम में खिलाफत कहा जाता है, हदीस नबी ने उसे मुलुकियत से ताबीर किया। खिलाफत तो एक मानी में हम इसको कह सकते हैं, यह भी मैं कल इस नुक्ते पर मजीद गुफ्तगू करूंगा जब खिलाफत की हकीकत उसके शराइत बयान करूंगा, इसलिए कि किताब और सुन्नत की टोटल बालादस्ती वहां मौजूद थी, खिलाफत बनु उमैया में भी थी, खिलाफत बनु अब्बास में भी थी, खिलाफत उस्मानिया में भी रही है, लेकिन यह है कि वो निजाम जो है दौलत की तकसीम का निजाम बदल गया, और यह दर हकीकत मुलुकियत यूं समझिए कि दौरे बनु उमैया जो है 90 बरस है उसके, यह ट्रांजिशन का एक पीरियड है, उमूरी दौर है, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा से मुलुकियत तक पहुंचते पहुंचते एक दिन में तो बात नहीं हो गई थी ना, दौरे बनु उमैया जो है ट्रांजिटरी पीरियड है, असल मुलुकियत जाकर जो जमी है वो दौरे बनु अब्बास से जब महल बने और ठाट जमे, वो दौर दरहकीकत, वरना इससे पहले अरबी हजारत और बदवियत जो है दौरे बनु उमैया में बरकरार थी, लेकिन बहरहाल जालिम हुकूमत थी इसमें तो कोई शक नहीं, मैं चंद उसके इशारे कर रहा हूं। जो कुछ हुआ हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ करबला में, और ये तो चूंकि उनका जिक्र जो है बहुत ज्यादा होता है, हर साल जो है खास एहतमाम से होता है, इसलिए बच्चा बच्चा वाकिफ है। वही कुछ हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के साथ मक्का मुकर्रमा में, ऐन मक्का मुकर्रमा में ज़िबह किए गए हैं, हुरमत हरम मक्की को बट्टा लगा है। फिर वाकया हर्रा हुआ है, तीन दिन तक मदीने को लूट मार किया गया और मदीने के अंदर खवातीन की बेहुरमती हुई, वाकया हर्रा, हरम नबवी जो है उसकी बेहुरमती हुई। फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबी शहीद किए गए, तो तारीख के हकायक हैं। और मेरे लिए उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और तारीख के एतबार से कहीं ज्यादा फैसला कुछ जुल्म जो था, मोहम्मद इब्ने कासिम को बुलाकर शहीद कर दिया। वो नौजवान टीन एजर नौजवान जो आया था फातेह था और इतना नेक इतना पारसा, हिंदुओं ने अपने जहन के मुताबिक उसे अवतार का दर्जा दिया, वो तो अपने जहन से सोचेंगे ना, मूर्तियां बनाकर मंदिरों में रख दी गई जिनको पूजा जा रहा था, ऐसा नेक इतना साले इतना पारसा ऐसा मुत्तकी ऐसा आदिल हुक्मरान, अगर कहीं उन्हें मौका मिल गया होता तो उसी वक्त हिंदुस्तान पूरा फतह हो जाता।
लेकिन मुलुकियत को सबसे बड़ा खतरा लाहिक हो जाता है अगर कोई शख्स इतना पॉपुलर हो गया तो हमें खतरा है, हमारे इख्तदार को खतरा है। वहां पर सोचने का अंदाज ये होगा क्या जुर्म था मोहम्मद इब्ने कासिम का, तारीख खामोश है, बेगुनाह बुलाया गया शहीद कर दिया। यही हुआ बैन ही मूसा इब्ने नुसैर के साथ रहमतुल्लाह अलैह, जिसने के शिमाली अफ्रीका का अक्सर बेशतर हिस्सा फतह किया था और उसके एक अदना कमांडर थे तारिक इब्न ज़ियाद, तारिक उमर किनारा अज़लु सफीना सोख्त, जिसने पूरा जो है आइबेरियन पेनिनसुला फतह किया है। मूसा इब्न नुसैर को भी बुलाकर जान बख्शी कर दी गई, बूढ़े थे बहुत, वरना यह कि इतना जलील किया गया है, तेज धूप में खड़ा रखा गया है, बेहोश होकर नीचे गिरे। खतरा दोनों से एक ही बात का था कि हमारी बादशाहत को इन अफराद की यह पॉपुलैरिटी जो है उससे खतरा लाहिक हो गया। यह है वो, अभी तो ये दौरे मैं अभी बनू मैया की बात कर रहा हूं सारी, फिर जो भी ठाठ जमे हैं और जो ऐश हुए हैं और कोह काफ का सारा निस्वानी हुसन जो है जो बगदाद के महलों में आया है, फिर रक्सो सुरूद जो भी हुआ है सब कुछ सबको मालूम है। अलिफ लैला जो है बगदाद की हजार रातें जो है, ये सारी की सारी दास्तानें ज़हन में रख लीजिए। ये है बहरहाल तीसरा दौर, चौथा दौर आपने फरमाया सुम्मा तकून मुल्कन जबरियन, फिर एक और मुलुकियत आएगी और वो होगी मजबूरी वाली मुलुकियत। चूंकि हमारे पास कोई गवाही मौजूद नहीं है कि इसका फर्क हुजूर से पूछा गया हो कि हुजूर ये दोनों मुलुकियतों का क्या फर्क है, मुलुकियत काट खाने वाली मुलुकियत और फिर चौथा दौर है मुलुकियत जबरी मुलुकियत, तो आपने क्या जवाब दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, नहीं मालूम उस वक्त क्या समझा गया। आज हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़े कि इससे मुराद क्या है। पहला मुलुकियत का दौर वो था कि मुलूक मुसलमान तो थे, कलमा गो तो थे, फिर मुलुकियत जो आई है हम पर वो गैर मुस्लिमों की हाकिमियत और गुलामी, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, यूरोपियन पावर्स, कॉलोनियल पावर्स, बर्तानिया के गुलाम, फ्रांस के गुलाम, इटली के गुलाम, वलंदेजियों के गुलाम, ये गुलामी, ये चौथा दौर है जिसकी कि हदीस में खबर दी गई। यहां मैं इस वक्त सिर्फ इशारा कर रहा हूं, तफसील से आज ही बाद में अर्ज करूंगा। ये चौथा दौर अभी खत्म नहीं हुआ, एक एतबार से खत्म हुआ है, एक एतबार से जारी है। खत्म इस एतबार से हुआ है कि डायरेक्ट रूल बराह रास्त गुलामी खत्म हो गई, तमाशा दिखाकर मदारी गया, अंग्रेज और उसके फौजी गए, फ्रांसीसी गए, वलंदेजी गए, अतालवी गए, सब गए, डायरेक्ट रूल खत्म इस एतबार से खत्म हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट रूल बरकरार है, रूल बाय प्रॉक्सी या रिमोट कंट्रोल, सब उनके शिकंजे में, हमारी मईशत उनके शिकंजे में, हमारे वसाइल उनके कब्जे में, हमारे जहन उनके काबू में, और अब तो जिस दर्जे CNN और न मालूम किस किस के जरिए से हमारे जहनों के ऊपर जो भी जबर आ रहा है, कहां बच कर जाएगा, कौन बच सकेगा। फिर यह कि उससे पहले अभी हम तहजीबी अंदाज में गुलाम, इल्म में भिखारी, टेक्नोलॉजी में भिखारी उनके दस्त निगर, तो दर हकीकत यह चौथा दौर जुज़वी तौर पर खत्म हुआ है, लेकिन दर हकीकत मानवीय एतबार से अभी उसका तसलसल जारी है। मैंने अक्सर जगहों पर इसको कराची के हवाले से बयान किया, कराची में लांडी कोरंगी शायद यही मामला होगा, और जो ये न्यू कराची वगैरह में भी जो बस स्टॉप्स आते हैं 3 नंबर, फिर 3.5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 4.5 नंबर, फिर 5 नंबर, तो हम 4.5 नंबर पर खड़े हैं इस वक्त। चौथा दौर
एक दर्जे में खत्म हुआ है, एक दर्जे में अभी बाकी है, उस पर मैं बाद में अर्ज करूंगा। और अभी जो उसका आधा हिस्सा बाकी है वो पहले से कहीं ज्यादा तल्ख है, उसके शदाइद और मसाइब पहले से कहीं बढ़कर होंगे, लेकिन वो मेरी गुफ्तगू में बाद में आएगी बात। अब आए हम आखिरी दौर पर, हुजूर ने फरमाया बहरहाल इसको भी खत्म होना है, सुम्मा यरफाउल्लाहु इज़ा शाय यरफा, फिर इस दौर को भी अल्लाह उठा लेगा जब चाहेगा कि उठा ले, सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का। ये है वो नवीद जहां फजा, ये है वो खुशखबरी मौजूदा मायूस कुन हालात में। सो गाइज, ये थी वीडियो, इन्होंने पांच अदवार बताए हैं, पांच मतलब कि दौर बताए हैं ना, हाँ, शुरू से लेके एंड तक की, कहां से स्टार्टिंग हुई, क्या क्या हुआ, ए टू जेड पूरा बता दिया। हर दौर में हर चीज की कोई अपनी निशानी थी, कोई अपनी कहानी थी, कोई अपना एक वाक्य था ना। सो आई थिंक ये दौर या तो खिलाफत का दौर, और उस दौर में आप सभी को पता है फिर उसके बाद कयामत वगैरह वगैरह आएगी, लेकिन ये भाई फिफ्थ भी स्टार्ट हो ही जाएगा दौर, और फिफ्थ खतरनाक दौर होने वाला। आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से लोग रहते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का मतलब अत्याचार, वो सब चीजें, तो बाकी बस यही है कि आप अपना कर्म सही करते रहो, जो भी खुदा के दिए हुई चीजें हैं, बुक्स हैं, रिलीज बुक्स, उनमें बताया गया है कि आपको कैसे रहना है, किस स्टाइल से रहना है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीजें खानी है, क्या नहीं करनी है, तो किसके साथ कैसा सलूक करना है, कैसे रहना है, तो वो चीजें करो फॉलो, तो ऑब्वियसली बात है कयामत वाले दिन आप जन्नत में ही जाएंगे। सो बाकी तो ये थी वीडियो गाइस, होप्स आपको पसंद आई हो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।